नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में आज के इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं कि जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए वर्तमान में सुधार करें और पिछली जो बातें हैं उन्हें अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। वास्तव में इसी में समझदारी है। आज जो बहुत कीमती है, जो ईश्वर ने मुझे उपहार स्वरूप दिया है, उसे मैं और भी ज़्यादा कीमती बनाऊं, क्योंकि उपहार ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है। इसे कल की जो बातें हैं उसे सोच करके नष्ट ना करें। वर्तमान जितना सुंदर होगा, श्रेष्ठ होगा, भविष्य भी उतना ही सुंदर और श्रेष्ठ होगा। तो क्यों ना परमात्मा ने जो उपहार हमें दिया है उस उपहार को हम और भी ज़्यादा सुंदर बनाएं, खुशियों से भर दें, आनंद से भर दें, श्रेष्ठ कर्म करते हुए। तो आइए आज इस उपहार को श्रेष्ठ बनाने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं सुवाक्य की ओर। बुराइयों से दूर रहने का एक ही उपाय है, अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने देना। गौतम बुद्ध। दोस्तों, यह कुछ ऐसा है जैसे गंदे पानी के बर्तन में लगातार साफ पानी डालना। आखिरकार सारा गंदा पानी हट जाएगा और बर्तन में केवल साफ पानी होगा। ईश्वर द्वारा दिए गए दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान को नियमित रूप से और लगातार सुनना और उसका मंथन करना मन को सकारात्मक विचारों से भर देने जैसा है, और धीरे धीरे सभी नकारात्मक विचार सकारात्मक में बदल जाएंगे। मित्रों, जिंदगी में सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति वो होता है जो दुआएं कमाता है। लेकिन ये दुआओं की संपदा यूं ही प्राप्त नहीं होती, ये उन्हें प्राप्त होती है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों के जीवन में खुशियां लाते रहते हैं, मुस्कान बांटते रहते हैं। हम भी यदि ऐसा करेंगे तो दूसरों की दुआएं हमें प्राप्त होंगी और इस संपदा से जो संपन्न होता है वो कभी भी बीमार नहीं होता, मन से भी और तन से भी। और यदि तन में बीमारी आ भी जाती है तो बहुत सहजता से वो उसे पार कर लेते हैं इन दुआओं की संपत्ति के आधार से। तो क्यों ना मित्रों, हम इस संपदा को अपने जीवन में जमा करते चलें ताकि मन और तन से हमेशा ही दुरुस्त रहें। तो आइए इस दौलत को जमा करने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। हम में से कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा दिमाग जो है 24 घंटे चलते रहता है, नींद में भी ऐसा लगता है कि सोच जो है जारी है, ओवरथिंकिंग जिसको कहते हैं, इतना ज़्यादा दिमाग थिंक करता है कि शरीर से तो हमने कोई काम नहीं किया लेकिन बॉडी बहुत थकान महसूस कर रही है। वो इसलिए कि हम इतना ज़्यादा सोचते हैं, सोच सोच के कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी पर भी इफ़ेक्ट उसका दिखने लगता है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है हम मेडिटेशन सीखें और मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन के साथ साथ में हम एक मुद्रा करें जिसे कहते हैं मूर्ति मुद्रा। मूर्ति मुद्रा की जब हम प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन के साथ में तो धीरे धीरे से ये जो हमारी ओवरथिंकिंग करने का जो नेचर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हमारे थॉट्स जो बहुत तेज़ी से रफ्तार से जो चल रहे हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, फिर स्लोली उसकी थॉट की क्वालिटी चेंज होने लगती है। तो मूर्ति मुद्रा हमें करना कैसे है, बहुत आसान है। ये जो हमारे जो 8 उंगलियां हैं इस तरह से अंदर फंसा लेना है और अपने हाथों को इस तरह से हमें बंद कर लेना है, और ये जो छोटी उंगलियां हैं ये दोनों लिटिल फिंगर, इसे इस तरह से स्ट्रेट रखना है। इसे कहते हैं मूर्ति मुद्रा। और जैसे चाहे आप अपने हाथ को कंफर्टेबली प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना हाथ रखना चाहते हो, कम से कम 10 से 20 मिनट तक रोज़ इस मुद्रा को आप प्रैक्टिस करना, और साथ साथ में आप आंखें बंद करके मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस करना। ये जब आप स्टार्ट करेंगे
तब देखना आपकी जो थॉट्स जो एक्सेस में जा रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्वालिटी ऑफ थॉट्स भी इम्प्रूव होगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ थॉट्स कम होंगे, क्वालिटी ऑफ थॉट्स इम्प्रूव होगी, वैसे वैसे हमारे हेल्थ पर भी उसका असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो जिनको ओवर थिंकिंग की आदत है, मूर्ति मुद्रा और मेडिटेशन MM इन दोनों को स्टार्ट करें और अपने फिजिकल हेल्थ पे भी इसका बेनिफिट देखें। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, जो सत्य हैं, जो सदा शिव हैं और जो तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। सचमुच परमात्मा की जो हम ऐसी स्तुति करते हैं तो मन में कभी ये भाव भी उठता है कि हम उनके सत्य स्वरूप को जानें और उनसे निकटता हमारी होती चली जाए। और यही कारण है कि हम शिव संदेश लेकर के आपके लिए आए हैं और प्रतिदिन भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंगमों में से हर ज्योतिर्लिंग का जो आध्यात्मिक भाव है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, आइए आज आपको लिए चलते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगम की ओर। 12 ज्योतिर्लिंगमों में से ये एक मुख्य ज्योतिर्लिंग है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। आइए इसके पीछे जो आध्यात्मिक भाव है उसे आज जानते हैं और अपने मन को आनंद से परिपूर्ण करते हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर मांधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ओंकारेश्वर का अर्थ है ओंकार का स्वामी या ओम ध्वनि का स्वामी। सतयुग और त्रेतायुग वह समय है जब देवों ने पृथ्वी पर निवास किया था और निरंतर जन्म और पुनर्जन्म के चक्र के कारण जब देवता कमजोर हो गए तो उनके दिमाग में 5 विकार प्रवेश कर गए और द्वापर युग में मनुष्य का युग शुरू हो गया। और कलयुग में जब मानव मन दुष्ट या असुर हो गया है, हम 5 विकारों के खिलाफ एक कठिन युद्ध लड़ रहे हैं। वही आत्मा जो सतयुग में देव थी कलयुग में 5 विकारों से लड़ रही है। असुर या 5 विकारों को हराने का एकमात्र तरीका है शिव के सामने आत्मसमर्पण करना, उन्हें उनके मूल प्रकाश बिंदु रूप में याद करना और उनके दिव्य ज्ञान को सुनना। भक्ति मार्ग में सभी भक्त भगवान को सच्चे दिल से याद करते हैं। उनकी भक्ति का फल देने के लिए उसको एक बार तो आना ही होता है और वे आते हैं कल्प के अंत में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि काल में, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। प्रभु द्वारा बताए गए ज्ञान के अनुसार आ का अर्थ है आचरण या कर्म, उ का अर्थ है उच्चारण या वाणी और मा का अर्थ है मनन या संकल्प। तीनों मिलकर ओम बनते हैं और ये आत्मा और परमात्मा दोनों के तीन पहलू हैं। दूसरे शब्दों में ओम यह कहने का एक और तरीका है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा का संतान हूँ। ओम आपको याद दिलाता है कि आप इस शरीर में रहने वाली आत्मा हैं और फिर से पवित्र बनने के लिए निरंतर परमात्मा को याद करना चाहिए। तो भगवान आकर जीवन जीना सिखा रहे हैं, घर घर को मंदिर बना रहे हैं। आइए उनसे राजयोग सीख कर उनसे जुड़ जाइए तो आप में शक्तियां आ जाएंगी, आपका मनोबल बढ़ जाएगा। मित्रों, सत्संग में बहुत लोग बैठते हैं लेकिन सत्संग कुछ लोगों में ही बैठता है। बहुत ही गहरी सी बात है ना। हम भी सत्संग में न जाने कब से जा रहे हैं, बचपन से, अपने युवा काल से वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन क्या सत्संग की सुंदर बातें हमारे अंदर बैठती हैं? या हमने अपने आप को इतना खाली रखा है, उसके लिए स्थान रखा है जो अच्छी बातें अंदर प्रवेश करें, या अपने अंदर बहुत सारी बातें पहले से ही हमने भर के रख ली हैं जो दुनिया की अनर्गल बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो अंदर जमी हुई हैं कूड़े कचरे की तरह।
ईश्वर तो वहीं बैठते हैं जहाँ स्वच्छता होती है। तो आए अपने अंतर मन को स्वच्छ करें ताकि सत्संग हमारे अंदर बैठ सके। कैसे सत्संग हमारे अंदर बैठ सकता है, कैसी अच्छी बातें हम धारण कर सकते हैं, यही सुंदर कला आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारी सभी समाज के वर्गों को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सुखमय जीवन जीने का मार्गदर्शन देती है, जिसमें ब्रह्मा कुमारी का प्रयास सेवाओं द्वारा निरंतर होती रहती है। उन्हीं सेवाओं में ब्रह्मा कुमारी अहमदाबाद के नारोल सेवा केंद्र पर एडमिनिस्ट्रेशन विंग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। नारोल सेवा केंद्र संचालिका बीके रंजन ने सभी को संस्था का परिचय दिया। साथ ही बीके संध्या ने अपने भाषण में कहा, आध्यात्मिकता से ही सरल, स्वच्छ और कुशल प्रशासन प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही कार्यक्रम में सभी वर्ग के 50 भाई बहनों ने बड़े उमंग उत्साह से लाभ उठाया। मित्रों, इस दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी चलती है। यदि आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपको वहाँ की करेंसी लेनी पड़ती है, अपने देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करना पड़ता है, तब आप वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान की दुनिया में कौन सी करेंसी चलती है? क्या यहाँ की करेंसी ले करके आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ भी एक्सचेंज करके एंजॉय कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मित्रों। भगवान की दुनिया में चलने वाली करेंसी, एकमात्र करेंसी है, वो है कर्म। अच्छे कर्म की करेंसी वहाँ चलती है। हाँ, बुरे कर्म यदि आप करके जाते हैं तो फिर वहाँ आपको जो भुगतना पड़ता है वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छे कर्म वास्तव में वहाँ चलने वाली करेंसी है। तो क्यों ना मित्रों, हम अपने जीवन में जब ये जानते हैं कि फाइनली हमें ईश्वर के घर ही जाना है, उस दुनिया में ही जाना है, तो क्यों ना अच्छे कर्मों की पूंजी जमा करते चलें, ताकि हमारा ये जन्म तो सुंदर रहे ही, लेकिन आने वाला जो जन्म है, ईश्वर के पास जो हम जाने वाले हैं, वो भी हमारा बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ हो। तो आए हम सब मिलकर श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी, श्रेष्ठ कर्मों की करेंसी जमा करते चलें, ताकि हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुहेला हो। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।